नमस्कार साथियों, विहांस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 5 पर आधारित होगी, जिसमें हम आपको सामान्य हिंदी और व्याकरण के बारे में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण कराएंगे। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि MPPSC का जो पेपर 5 है वो जो होता है वो कुल 200 अंकों का होता है। ये पेपर क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो भाषा की एक समझ के लिए और उसमें उत्तर लेखन की एक योग्यता के लिए यह प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में प्रश्न पत्र 5 पर जोड़ा गया है। तो देख तो दोस्तों, इसमें एक निर्धारित पाठ्यक्रम है जिसके आधार पर हम आपको ये पेपर 5 पूर्ण करवाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि लघु त्रिप्रश्न है वो निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर ही दिए जाएंगे, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे संधि, समास, विराम चिन्ह या फिर अलंकार पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी डायरेक्ट डेफिनेशन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो होंगे, ये 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 मार्कर के होंगे और टोटल इनके नंबर्स होंगे 75। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि MPPSC अलंकार पूछता है। अलंकार में वो शब्द अलंकार, अर्थालंकार ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि 5-5 नंबर के होंगे, इनमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है व्याकरण का, वो होता है ट्रांसलेशन का, जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी होता है। तो जब हम ये देखते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो होता है 20 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो होता है 15 मार्क्स का। अब ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों भाषाओं में दक्षता के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम आगे पाठ्यक्रम में जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे अनुवाद के बाद संधि, समास और विराम चिन्ह भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 2-2 मार्क्स के होंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, अगर आपको बनता है तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मार्क्स दिलवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियों के आधार पर उसको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें हम देखेंगे कि प्रशासनिक शब्दावली आएगी, जो हिंदी और इंग्लिश किसी भी उसमें आ सकती है, आपको उसका हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद करके देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि मुहावरे और कहावतें आएंगी, जो भी प्रचलित होती हैं बोलियों के आधार पर या लोकोक्ति, उनके आधार पर हमें उनका अर्थ लिखना होता है और उसके बाद उसमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है। उसके बाद देखेंगे कि विलोम शब्द आते हैं, तो विलोम शब्द भी ऐसे होते हैं, किसी भी शब्द का एक उल्टा अर्थ वो लिखना होता है हमें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उसके बाद तत्सम और तद्भव शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे और मानक शब्दावली आएगी। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक व्याकरण इनमें निर्धारित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि अपठित गद्यांश आता है। तो अपठित गद्यांश में क्या होता है कि एक आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश में आप देखेंगे कि उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस गद्यांश के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रश्न को लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो MPPSC ने 2 चीज़ें दी हैं वो है पल्लवन और सच्छेपण। इसमें लेखन शैली बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो ये इस पर आधारित होती है। तो पल्लवन में आपको एक कोई सेंटेंस या एक कोई लाइन दे दी जाएगी, उसके बाद उसके अर्थ को समझकर उसके भाव का विस्तार करना होता है, तो ये होता है पल्लवन में। फिर संक्षेपण क्या होता है, संक्षेपण में आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश में आपको उसका 1/3 भाग संक्षेप करके लिखना होगा। तो इस तरीके से एक संपूर्ण पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ये कुल होता है 200 नंबर्स का ये पूरा प्रश्न पत्र होता है, और इस 200 नंबर में आप 150 प्लस से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट होती है एक हिंदी लिखने के लिए, वो होता है आप कम से कम अशुद्धियाँ लिखें, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जहाँ पे वर्णों का सही मात्राओं का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और आगे जब भी आप कभी एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे उसमें इन मात्राओं की गलतियाँ ना हो, इसके लिए हिंदी भाषा में एक अच्छी कमांड होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज से हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस पेपर 5 पर आधारित होगा, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में किस तरीके से इसका विकास हुआ, किस तरीके से इनका क्रमिक उच्चारण हुआ, वो सारी सीरीज़ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि इंग्लिश, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें भी एक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट जैसे ABCDE, ये भी इनके यूज से ही हम पूरी एक हिंदी भाषा बनी है। तो इस तरीके से हिंदी भाषा का भी जो विकास हुआ वो वर्ण, ध्वनि, अक्षर, इन सब से आधारित होकर एक विकास हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एक हिंदी पूर्णतः एक तरीके से विकसित हुई। तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि हिंदी भाषा का विकास हुआ कैसे, किस तरीके से वर्ण आए,
किस तरीके से उनको वर्णमाला में विभाजित किया गया और उसके बाद एक क्रमिक उच्चारण के रूप में हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब आप ये सोचेंगे कि हिंदी बनी कैसे, हिंदी आई कैसे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो विचारों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख का प्रयोग करते हैं, और मुख के प्रयोग करने से एक ध्वनि निकलती है। जो भी वह जब ये ध्वनि निकलती है तो ध्वनि निकलने के आधार पर कुछ ना कुछ उसका एक उच्चारण होना चाहिए, या कुछ उच्चारण जब होता है तो वो उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि वो उच्चारण सार्थक होना चाहिए। जब वो उच्चारण सार्थक होगा तो उस शब्द का या उस अक्षर का कोई मतलब होगा, और मतलब के पश्चात क्या होता है, वो एक शब्द के रूप में बनता है जो एक सेंटेंस बनाता है, और इंसान क्या करता है, वो अपने भाषा को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि अक्षर, अक्षर से शुरुआत हुई। तो अक्षर क्या होते हैं, अब क्या होता है जब भी हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो विचारों के व्यक्त करने पर एक ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो जब मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन वो जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि कैसी होनी चाहिए, वो ध्वनि होनी चाहिए सार्थक। मतलब आप ऐसे ही कोई भी ध्वनि का उपयोग नहीं कर सकते जिनका कोई सार्थक मतलब ना हो। अब आप देखते हैं कि जब भी कोई भाषा का विकास हुआ, जब भी कोई किसी भी शब्दों का प्रयोग या विचारों का प्रयोग किया गया तो उसमें क्या होती है, एक सबसे छोटी इकाई होती है। अब जैसे इकाई की बात की गई तो इकाई में क्या होती है, ध्वनि का विकास कैसे हुआ, वो एक ध्वनि की तरह हुई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं ध्वनि। अब यहाँ हम आपको देखेंगे कि ध्वनि बन गई, हम उसका उच्चारण करने लगे, लेकिन उसे लिखा किस प्रकार जाए, तो एक वर्ण बने। तो वर्ण क्या होते हैं, जब हम वर्ण को देखेंगे तो वर्ण में ऐसा बोला जाता है कि वे मूल ध्वनियाँ जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब कोई भी सी भी ऐसी ध्वनि या कोई भी ऐसा वर्ण हुआ जिन्हें हम उसे और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हो जाते हैं वर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वे मूल ध्वनियाँ जिन्हें हम और खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है वर्ण। ठीक है, अब वर्ण बन गए वर्ण। अब वर्ण बनने के बाद हम देखेंगे कि उनका एक ऐसा एक व्यवस्थित रूप तैयार किया गया जो बोलने में या देखने में सरलता हो, सहजता हो, और उनका एक क्रमिक उच्चारण हो। तो इस तरीके से एक पूरा क्रमिक उच्चारण के साथ एक क्रमिक व्यवस्था बनाई गई जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला की डेफिनेशन हम देखेंगे कि वर्णों के क्रमिक उच्चारण समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वर्णमाला बन गई तो वर्णमाला बनने के बाद हम देखेंगे कि वर्णमाला का क्या होता है, उसको कुछ एक समूह है, उसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। तो जब हम विभाजित करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि 11 स्वर होते हैं, उसके बाद उसको व्यंजन में डिवाइड किया गया, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। फिर 4 संयुक्त व्यंजन के बाद 2 द्वित व्यंजन होते हैं और 2 आयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ण समूह को क्या किया गया दोस्तों, इनको अलग अलग किया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे कि आगे इसमें क्या बोला गया, जब वर्णों का एक वर्गीकरण हो गया तो वर्णों के वर्गीकरण में उनको कुछ भागों में विभाजित भी किया गया होगा कि किस तरीके से अलग अलग उनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग से देखा गया कि कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्णमाला का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भेदों में किया गया है, 3 भेदों में किया गया है। कौन कौन से दोस्तों, तो वो है हमारे, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्णमाला का जो वर्गीकरण किया गया है वो होता है स्वर, फिर होता है व्यंजन, और वो होता है आयोगवाक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीज़ें होती हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, और क्या होता है, आयोगवाहक होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, आयोगवाहक क्या होते हैं। तो इस तरीके से जब उन्हें कैटेगराइज किया गया तो इन्हें जानने की भी आवश्यकता होती है कि किस तरीके से इनको अलग अलग किया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्वर क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के होती है। मतलब ऐसे उच्चारण में जिन्हें बोलने में कोई समस्या ना आए तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्वर समझ गए, स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी विघ्न बाधा के हो उन्हें स्वर वर्ण कहे जाते हैं। अब स्वर्ण वर्णों को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया या कुछ उनकी भी कुछ संख्या होती है, तो वो संख्या दोस्तों हम देखेंगे कि वो संख्या कितनी है, यहाँ पे वो संख्या होती है 11। अब आपको पता होगा कि स्वर वर्ण कौन कौन, इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे जो स्वर कहे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर इनको विभाजित करें तो क्या कौन कौन से होते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे होता है आ, बड़ा, ई,
बड़ी ई उ बड़ा उ ए ए ओ और आओ और एक होता है री। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितने हो गए, ये आपके 11, 11 क्या हो गए यहां पे आपके 11 स्वर हो गए। ठीक है, अब स्वरों को भी चार 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 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पे आपको चार चार भेद मिलेंगे। तो चार भेद में हम देखेंगे कि चार भेद में होता है लघु या हस्व स्वर। लघु स्वर ही बोला जाता है और इसे हस्व स्वर भी बोला जाता है। उसके बाद होता है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, इनके भी दो नाम है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक होता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और एक होता है क्या, प्लुत स्वर। ठीक है, तो इस तरीके से स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके कितने भेद होते हैं, वो होते हैं चार। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि लघु स्वर क्या होते हैं या हस्व स्वर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या होता है, सामान्य समय लगता है, जैसे आ ई ए ऋषि। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कि यहाँ पे आपको इसके उच्चारण में क्या हो रहा है, सामान्य समय लग रहा है। और जब इनकी गिनती की जाएगी, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनकी गिनती की जाएगी, तो इनकी गिनती में क्या मानी जाएगी, उनकी संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे कि यहाँ पे जो लघु स्वर की संख्या है, लघु स्वर की संख्या कितनी है, वो है चार। चार कौन कौन सी, आ ई उ और री। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चार लघु स्वर मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि गुरु स्वर या दीर्घ स्वर क्या होता है। तो गुरु स्वर जब दीर्घ स्वर में जाएंगे तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमको दोगुना समय लगे, मतलब लघु की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, मतलब बोलने में जो अधिक समय लेता हो वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और जब इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने पे यहाँ पे दो शब्दों से या दो वर्ण से मिलकर बनते हैं, जब दो वर्ण से मिलकर बनेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब दीर्घ स्वरों की यहाँ पे हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं तीन। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है आ ई और बड़ा उ। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे क्या होते हैं, आ ई और उ, इनकी संख्या कितनी है दीर्घ स्वर की, तो इनकी संख्या है कितनी दोस्तों, तीन। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब क्या होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं कि वे वर्ण जो असमान स्वर के मेल से बने होते हैं, मतलब क्या होता है, दो असमान स्वर हो गए, जैसे आ और ई से मिलकर क्या बनता है, ए बन गया, आ और ऊ से मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दो असमान स्वर के मेल से जो वर्ण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इनके भी उच्चारण में हमको क्या लगता है, दोगुना समय लगता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त स्वर जो होते हैं, संयुक्त स्वर की भी संख्या कितनी बताई गई है, वो बताई गई है चार। वो कौन कौन से होते हैं, आपके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिल रहा होगा आपको ए ऐ ओ और आओ। ठीक है, यहाँ पे संयुक्त स्वर कितने हो गए, संयुक्त स्वर चार हो गए। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि जो ए बना है वो आ और ई से मिलके बना है, ओ बना है वो आ और ऊ से मिलके बना है। तो इस तरीके से संयुक्त स्वर को डिफाइन किया गया है। अब आप देखेंगे कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। अब हमको क्या, हम आपको क्या बताए थे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। तो चार भेद में जब हम देखेंगे तो प्लुत स्वर क्या होता है, देखो अब प्लुत स्वर क्या होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण तो होता है लेकिन उन्हें लिखा नहीं जा सकता है, और इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में हमको क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। ठीक है, इनको उच्चारण में क्या, तिगुना समय लगेगा। तो ये स्वर क्या कहला जाएंगे, आपको प्लुत स्वर कहला जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि इनका जो प्रयोग होता है वो एक सांकेतिक चिन्ह के ही रूप में होता है, सांकेतिक चिन्ह के रूप में होता है। जो प्लुत स्वर होते हैं वो आप देखिएगा यहाँ पे कि प्लुत स्वर जो होंगे वो दो भागों में अलग अलग इस तरीके से सांकेतिक रूप से दिखाए जाएंगे, एक ये चिन्ह होता है और एक ये चिन्ह होता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, जो प्लुत स्वर होंगे, जैसे हम एक उच्चारण करते हैं ओम का, तो ओम एक ऐसा उच्चारण में क्या होता है, एक तिगुना समय लग रहा है, और उसमें इस सांकेतिक चिन्ह से हम ये दर्शाते हैं कि इसमें तिगुना समय का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे हे राम बोलते हैं तो हे राम में भी इस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, जो हमें ये दर्शाएगा कि इसके उच्चारण में क्या हो रहा है, इसके उच्चारण में हमको तिगुना समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार भेद हम आपको बता दिए स्वर के, वो कौन कौन से हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा भेद था वर्णमाला का या वर्ण समूह का, जिसमें हम देखेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। तो हम व्यंजन सबसे पहले इसमें देखेंगे, तो व्यंजन में आप क्या देखेंगे
कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वरों की सहायता से होता है, और प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, आ की ध्वनि होती है, और आ के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, का खा गा घा, जब इनका उच्चारण करते हैं तो एक स्वर की ध्वनि आती है, जैसे का में आ की ध्वनि आती है, खा में आ की ध्वनि आती है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में क्या होता है, एक आ की ध्वनि रहती है। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय आ की ध्वनि रहती है, जिनकी सहायता से क्या होता है, स्वर की सहायता से ही होता है। किंतु जब हम एक व्यंजन को लिखते हैं तो लिखने में स्वर के बिना ही लिखे जाते हैं, स्वर के बिना लिखे जाते हैं। तो आप देखिएगा, जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने आप यहाँ पे का लिखा, का के जब उच्चारण करेंगे तो इसमें आ की ध्वनि रहेगी, लेकिन जब हम का को लिखेंगे तो लिखने में वो व्यंजन है इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इस तरीके की एक रकार खींच दी जाती है, इस तरीके की रकार खींच देंगे जहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, अब हिंदी भाषा में क्या बोला गया है कि हिंदी भाषा में होते हैं 33 व्यंजन। तो 33 व्यंजन में आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा स्वर व्यंजन, सॉरी क्या होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और उष्ण व्यंजन। इनको जो व्यंजन है, व्यंजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्था व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इन तीनों को समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्था व्यंजन क्या होते हैं और उष्ण व्यंजन क्या होंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि वे वर्ण जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ से उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। जैसे आप कभी भी देखिए, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, काखा गाघा अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाठा आणा, ताथा दाधा ना, तो जब इनका उच्चारण होता है ना, तो अपने मुख के, कंठ के अलग अलग भागों से होता है। ठीक है, तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, इनको जब आप कैटेगराइज करेंगे, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दंत और होठ, तो जो का वर्ग होगा वो कंठ से बोला जाएगा, जो ता वर्ग होगा वो क्या होगा, तालु से बोला जाएगा, जो टा वर्ग होगा वो होगा वो अपने मूर्धा से बोला जाएगा, जो दंत से बोले जाएंगे वो ता वर्ग होगा, और जो होठ से उच्चारित किए जाएंगे वो होगा पा वर्ग। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए आप कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताई गई है कुल 25। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वे होते हैं, इसमें क्या होता है, वायु जो होती है, वायु मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलती है, वायु क्या होती है, मुख के अंदर घूमकर बाहर निकलती है, किंतु कहीं भी पूर्ण तरीके से स्पर्श नहीं होती है। यहाँ पे आप उच्चारित करेंगे, जैसे यहाँ पे इनकी संख्या कितनी बताई गई है, वो संख्या है 4। जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो, उनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब यहाँ पे उच्चारित करेंगे, जैसे आप बोलते हैं या, रा, ला, वा, यहाँ पर क्या होता है, जो वायु होती है वो मुख के अंदर घूमती तो है, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। तो आपने यहाँ पे देखा, आपने क्या देखा कि यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं यारा, लावा। ये MPPSC के 3 मार्कर के हिसाब से आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इनकी संख्या क्या होती है और अंतःस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उष्ण व्यंजन क्या होते हैं। तो उष्ण व्यंजन क्या होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि मुख अवयवों के निकट आने के संघर्ष के पश्चात एक ध्वनि प्रकट होती है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन। जैसे आप देखे होंगे कि हम जब शा, सा, सा और हा, हा को जब उच्चारित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक संघर्ष प्रकट होता है, मुख के साथ एक संघर्ष प्रकट होता है, तब इनका उच्चारण हो पाता है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है उष्ण व्यंजन। और इनकी भी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, इनकी भी संख्या होती है 4। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इनकी संख्या 4 होती है, श, सा, सा और हा। ठीक है, तो इनकी भी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इन्हीं को क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन। ये भी MPPSC के 3 मार्कर के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे होता है द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन क्या होता है, जब दो समान व्यंजनों का मेल हो जाता है तो वो बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया, आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे चा हो गया, आधा चा हो गया, है ना, ये जब मिलके क्या बन गया, चा या का। तो इस तरीके से इन व्यंजनों को क्या बोला जाता है, द्वित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है,
अब आप देखिए क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि वे वर्ण जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से एक वर्णमाला बनाई गई है, जिस तरीके से व्यंजन है, उनमें भी कुछ ऐसे ऐसे वर्ण हैं जो जो दो वर्णों के मेल से या दो भिन्न व्यंजन के मेल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी बताई गई है, संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी बताई गई है, यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है, चार बताई गई है। वो चार कौन कौन से हैं, एक होता है छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जो छ बना है वो क्या किससे बना है, वो बना है का और शा से, ठीक है। तो इन दोनों के जब इन दोनों का जब मेल होता है तो उसे क्या बनता है, छा बनता है, उसके बाद बनता है त्रा बनता है, त्रा किससे बनता है, ता और रा से बनता है, फिर जा और इया से क्या बनता है, ज्ञा बनता है, और स्रा जो बनता है वो बनता है शा और रा से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वे वर्ण जिन्हें भाषा वर लिपि में तो स्थान प्राप्त है किंतु वर्णमाला में इनका इन्हें नहीं गिना जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या आपको बताई गई है, इनकी भी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है दो, ठीक है। यहाँ पे आप देखे होंगे इनकी संख्या कितनी है, दो, लेकिन इनको भाषा और लिपि में तो स्थान प्राप्त है किंतु ये वर्णमाला में काउंट नहीं होता है। जो आपको देखे होंगे कि व्यंजन की संख्या कितनी है, 33, तो वो इसमें काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन, डा और ढा, ठीक है, डा और कौन कौन से है, ढा, ठीक है। एक सेकेंड, पेन का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये होता है डा और ये होता है ढा, लेकिन इनमें बिंदी लगी हुई है, ढा और डा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी बताई गई है, दो बताई गई है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा आयोगवाहक। आयोगवाहक क्या होते हैं, तो आयोगवाहक वो होते हैं दोस्तों जो वे वर्ण जो ना कि स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, अथवा ये स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं, इन्हें बोला जाता है आयोगवाहक, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, अपितु ये स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन दोनों होते हैं, इन्हें ही बोला जाता है आयोगवाहक। अब देखिए इनकी संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों, तो इनकी संख्या भी हम देखेंगे कि इनकी संख्या भी कितनी बताई गई है, इनकी संख्या भी कितनी बताई गई है, दो बताई गई है। कौन कौन सी, एक होता है अम और एक होता है आहा, ठीक है ये। अब देख यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुस्वार, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अनुस्वार क्या, अनुस्वार क्या होते हैं। तो देखिए जब शिरोरेखा के ऊपर हम एक बिंदी लगा देते हैं या एक ऐसा चिन्ह लगाते हैं जहाँ पर एक बिंदी लगी होती है उन्हें क्या बोला जाता है, शिरोरेखा के ऊपर लगे हुए चिन्ह को अनुस्वार कहा जाता है। तो ठीक है यहाँ पे आप अनुस्वार समझ गए, और विसर्ग तो आपको पता ही होगा, आगे संधि में भी पढ़ेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जहाँ पे दो बिंदी के तरह इन्हें सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है इन्हीं को बोला जाता है विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ये चीज़ बता दिए कौन कौन से हो गए, स्वर हो गया आपका, आपका व्यंजन हो गया, और आपका क्या हो गया, एक आयोगवाह हो गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका व्याकरण। तो देखिए क्या हो गया है, एमपीपीएससी में हिंदी भाषा में क्या हो गया, एक व्याकरण निर्धारित किया गया है। तो उस व्याकरण को समझें कैसे कि व्याकरण बोलते किसे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो क्या होता है, शुद्ध भाषा के उच्चारण व लेखन के नियमों का बोध कराने वाला, मतलब एक नियमित तरीके से एक नियम के अनुसार चलने वाला एक भाषा को जब व्यवस्थित रूप से ऐसा तैयार किया जाता है जहाँ पे उच्चारण करने में लेखन करने में कोई भी ऐसी गलती ना हो, कोई भी ऐसे गलत नियम ना लगे हों जो उस व्याकरण को गलत कर दें, तो उन्हें कहा जाता है व्याकरण। तो शुद्ध भाषा के उच्चारण व लेखन के नियमों का बोध कराने वाला उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे ही कहा जाता है व्याकरण, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला लेक्चर खत्म होता है। हमने यहाँ पे आपको स्वर पढ़ा दिया, व्यंजन पढ़ा दिया, आयोगवाहक पढ़ा दिया और व्याकरण। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है। थैंक यू।